Hello friends, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to do today is your future continuous tense. Continuous tense क्या होता है हम सब जानते हैं कि जिस समय की हम बात करते हैं वो काम चल रहा होता है. So for the future continuous also same चीज़ है. जब हम imagine करते हैं that if an action or any work is in process or progress in the future, in the near future, right? उसके लिए हम use करते हैं हमारा future continuous tense. जैसे अगर मैं कहूँ कि संडे को मैं क्या कर रही होंगी, मैं मैच खेल रही होंगी. So I'll say on Sunday, let's say Abdul will be playing a match. Sunday को अब्दुल मैच खेल रहा होगा. तो ये है हमारा सेंटेंस जो बता रहा है कि संडे को क्या काम हो रहा होगा, कौन सी चीज़ प्रोसेस में होगी. खेलने का काम प्रोसेस में होगा, खेलने का काम प्रोग्रेस में होगा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आज आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं यार कल इस समय मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँगा. सो टुमारो सेम टाइम आई विल बी गिविंग एन एग्ज़ाम. सो कल इस समय मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँगा. तो उस केस में भी हम वहाँ पर यही यूज़ करेंगे. और कभी कभी समटाइम्स हम इसे कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं. वी यूज़ दैट ऑल्सो इन अ कंडीशनल सेंटेंस. कैसे, अगर मैं कहूँ व्हेन आई विजिट हर शी विल बी क्लीनिंग डिशेस. जब मैं उसको विजिट करती हूँ या करूँगी तो वो डिशेस साफ कर रही होगी. सेम ईयर पहला हमारा पार्ट जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट. एंड सेकेंड विल बी जो काम चल रहा होगा जिस समय हम जाएंगे या जिस समय हम वो काम करेंगे वो क्या होगा हमारा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, राइट. सो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो मेनली हम इन कंडीशंस में यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स लुक इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स लुक इन टू द फॉर्मूला कि एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं. पहला है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है. और नॉर्मली हम यहाँ पर मेन हमारा हेल्पिंग वर्ब विल होता है. जैसा मैंने आपसे कहा आजकल हम विल को यूज़ करते हैं रादर देन शैल मोर. सो हम विल को यूज़ करेंगे. एंड कंटिन्यूस टेंस के लिए हम बी एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं. सो इट इज़ विल बी, राइट. सो सब्जेक्ट प्लस विल बी, देन वी यूज़ वर्ब विद आईएनजी फॉर्म. कई लोग इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं. सो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं. यू वॉन्ट टू टेक इट एज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आप फोर्थ फॉर्म की तरह मान सकते हैं. और अगर आप इसे वर्ब की आई एन जी फॉर्म मानना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं. प्लस योर ऑब्जेक्ट, राइट. सो दिस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव में हम हमेशा बात करते हैं नेगेटिव, नहीं, नो, राइट. सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल. और क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है तो हम जो नॉट लगाएंगे वो विल के बाद लगाएंगे. सो विल नॉट बी, देन योर वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट, राइट. अगला है हमारा इंटरोगेटिव. जैसा आपने और टेंसेस में सीखा था, इंटरोगेटिव में हम हमेशा अपना सेंटेंस शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो ऑब्वियसली हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा विल उसे सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे. सो इट विल बी विल प्लस सब्जेक्ट देन
B, ing verb and then your object. Right. So, ये है हमारा एक interrogative sentence का structure. चलिए अब कुछ examples देखते हैं ताकि आपको आपके sentence structures, formations ज़्यादा clear हो सके. चलिए अब हम देखते हैं. सबसे पहले मान लीजिए हम subject लेते हैं कोई singular subject. As a third person मान लीजिए he will be going to Mumbai next week, for example, or next month. He will be, वो अगले महीने मुंबई जा रहा होगा. He will be going to Mumbai for official trip or office tour. आप कुछ भी सोच सकते हैं. इसका हम negative क्या करेंगे? He will not. अब ये ध्यान रखिए कि will not को जब हम बोलते हैं, we say will not as won't. हम will not को won't भी बोलते हैं. So आप जिसमें comfortable हों, अगर आप will not में comfortable हैं, you can speak with will not. वरना आप won't बोल सकते हैं, that would be a bit better. So he won't be going to Mumbai next week or sorry next month. वो अगले महीने मुंबई नहीं जा रहा होगा. So अगर मैं इसको question करूँ तो क्या होगा? Will he be going to Mumbai next month? Right? So इस case में हम use कर रहे हैं will he be, क्या वो अगले महीने मुंबई जा रहा होगा? So this is your question. अब चलिए हम देखते हैं अगर हम अपने subject को he को change करके कुछ और ले लें. मान लीजिए हम he की जगह we use करते हैं तो क्या होगा? जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि future tense में helping verb हमारा same रहता है irrespective of your subject. So if I say we will be going to Mumbai next month, हम अगले महीने मुंबई जा रहे होंगे. तो इंटरनेगेटिव क्या होगा? We won't be going to Mumbai next month. हम अगले महीने मुंबई नहीं जा रहे होंगे. और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा हमारा? Will we be going to Mumbai next month? क्या हम अगले महीने मुंबई जा रहे होंगे? So इस तरीके से आप अपने और sentences, कोई भी sentence बना सकते हैं और उन्हें इसी तरह से तीनों forms में, तीनों sentences में change कर सकते हैं. और अब हम करेंगे कुछ और examples और कुछ और exercises ताकि आपको future continuous tense और clear हो सके. So students, now let's look into some examples of your future continuous tense. अब हम future continuous tense के कुछ examples को देखते हैं कि किस तरह से हम future continuous tense को use करते हैं या उनको तीनों forms में change कर सकते हैं. So the first example is, I will be meeting Tom this Saturday. इस Saturday को मैं Tom से मिल रही होंगी, right? So I will be meeting Tom this Saturday. So यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो ये है हमारा एक positive sentence. अगर हम इसे negative में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? I will not. Not कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, right? जैसा हमने sentence structures में देखा था कि not हमेशा main helping verb के बाद आता है. I will not be meeting Tom this Saturday. और question क्या हो जाएगा? Will हमारा पहले चला जाएगा. So will I be meeting Tom this Saturday? Right. So next देखते हैं example. What will you be doing tomorrow at 12 o'clock? कल आप 12 बजे क्या कर रहे होंगे? अगर हम यहाँ picture देखें, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़का है हमारा, ये क्या कर रहा है? He is doing skiing. He is skiing here, right? शायद skiing कर रहा होगा. So what will you be doing tomorrow at 12 o'clock? So he will be skiing, right? अगर हम इस sentence को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? He will be
doing not skiing but skating. He will be doing skatings. He will be doing skatings. He or negative kya hoga? He won't be doing skatings or he won't be skating. Or the question kya hoga? Will he be skating? Kya wo skating kar raha hoga? Right? So agar main aapse poochun ki kal aap kya kar rahe honge, what you will be doing tomorrow at 5 o'clock, so aap kahenge I will be working in my office or I'll be meeting my friend, I'll be going home. So जो भी आप कहना चाहें उस समय के लिए हम use करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारा future continuous tense होता है वो हम किसी point of time के लिए, certain point of time के लिए बात करते हैं. Let's look for more examples. She will not be watching a match on the television. वो टेलीविजन पर मैच नहीं देख रही होगी. अगर यहाँ देखें सो वो कोई डांस प्रोग्राम या कोई मूवी देख रही होगी लेकिन मैच नहीं देख रही होगी. सो शी विल नॉट बी वॉचिंग, राइट? सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. तो अगर हम चाहें इसको एक पॉजिटिव में बनाना चाहें तो क्या होगा? शी विल बी वॉचिंग अ मैच ऑन टेलीविजन. वो टेलीविजन पे मैच देख रही होगी. क्वेश्चन क्या होगा? क्या वो मैच देख रही होगी टीवी पे? विल शी बी वॉचिंग अ मैच ऑन द टेलीविजन. क्या वो टेलीविजन पे मैच देख रही होगी? द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज विल यू बी वर्किंग एज एन इंजीनियर इन टाटा. सो यहाँ पर हम टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं. क्या तुम टाटा कंपनी में इंजीनियर की तरह काम कर रहे होगे? नाउ ही इज थिंकिंग कर रहे होंगे नहीं होंगे. सो अगर इसको हम देखते हैं, सो दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि एक क्वेश्चन है. तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? यू विल बी वर्किंग एज एन इंजीनियर इन टाटा. आप एक इंजीनियर के तौर पर टाटा में काम कर रहे होंगे. सो वॉट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस? यू विल नॉट बी वर्किंग एज एन इंजीनियर इन टाटा. आप टाटा में नहीं कर रहे होंगे. मे बी यू माइट बी वर्किंग इन इन्फोसिस और L&T किसी और कंपनी में, बट नॉट इन टाटा. सो लेट्स लुक इन टू द अदर एग्जाम्पल्स. द अदर एग्जाम्पल सेज विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट योर सेल्फ. क्या आप खुद से ही अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे? सो दिस इज योर क्वेश्चनेयर, राइट? विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट योर सेल्फ. क्या आप खुद से ही अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या आप कोई कोचिंग्स लेंगे या आप कोई वीडियो लेक्चर्स लेंगे? सो दिस इज अ क्वेश्चन. सो इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो क्या होगा? यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट योर सेल्फ. और नेगेटिव क्या होगा? यू वॉन्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट योर सेल्फ. यहाँ पे आप देख रहे हैं बेचारा परेशान बैठा है एंड देन ही इज गेटिंग लॉट ऑफ यू नो ही हैज गॉट लॉट ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस. हमेशा एग्जाम के टाइम पे एक भूत होता है जो आपको डराता है. एग्जाम भूत. सो दैट ही इज अ बिट टेंस हियर, लुकिंग टेंस इन दिस पिक्चर. बेचारा बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट मंथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर जापान जा रहे होंगे. सो प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ. सी हेयर इन दिस मोदी सन, मोदी मिस्टर मोदी इज गोइंग टू जापान और इन द एयरप्लेन, ऑन द एयरप्लेन. सो प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ. दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं वो जापान नहीं जा रहे होंगे बल्कि वो इज़राइल जा रहे होंगे. सो प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ बट टू इज़राइल, राइट? क्या प्रधानमंत्री अगले महीने जापान जा रहे होंगे? विल प्राइम मिनिस्टर बी गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है. सो लेट्स लुक इनटू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सेज
Fill in the blanks with the appropriate future continuous form of the verb given in the bracket. अगर हम यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर आपको वर्ब्स दे रखे हैं, इन्हें आपको आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना है. सो लेट्स सी किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं. एट 3 o'clock tomorrow, कल 3 बजे, आई डैश इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में क्या कर रहा हूँगा, आई विल बी वर्किंग. सो लेट्स डू इट. I will be working in my office. भाई 3 बजे मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रही होंगी. At 3 o'clock, अगर यहाँ देखिए हमने सारे सेंटेंसेस ऐसे डाले हैं जब 3 o'clock है, but the situations are different for different people. So at 3 o'clock tomorrow, you lie on the beach. 3 बजे तुम तो बीच पे क्या कर रहे होगे. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, वन इज लाए. अब एक लाए का मतलब तो झूठ बोलना होता है, दूसरा लाए का मतलब होता है लेटना, राइट. सो आप क्या कर रहे होंगे, आप बीच पर लेट रहे होंगे, राइट. सो एट 3 o'clock टमोरो यू विल बी लाइंग ऑन द बीच, आप बीच पर लेटे होंगे या लेट रहे होंगे. यू विल बी lying on the beach, right. The next is at 3 o'clock tomorrow, he dash wait for the train, wo train ka wait kar raha hoga. So he will be waiting for the train, wo train ka wait kar raha hoga. At 3 o'clock tomorrow, she shop in New York. वो न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर रही होगी. सो शी विल बी शॉपिंग इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर रही होगी, राइट. सो आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसी तरह के, किस तरह से आप उन्हें बना सकते हैं. एट 3 o'clock टमोरो इट रेन, कल 3 बजे बारिश हो रही होगी. सो इट विल बी raining, right. At 3 o'clock tomorrow, we dash get ready to go out, hum tayar ho rahe honge bahar jane ke liye. So we will be getting ready, hum tayar ho rahe honge bahar jane ke liye, right. So at 3 o'clock tomorrow, kal 3 baje, they meet their parents, वो अपने parents से मिल रहे होंगे. So at 3 o'clock tomorrow, they will be meeting their parents, कल वो 3 बजे अपने parents से मिल रहे होंगे. Next sentence says, at 3 o'clock tomorrow, he study in the library, वो library में पढ़ रहा होगा. So he will be studying in the library, वो library में पढ़ रहा होगा. At 3 o'clock tomorrow, she exercise at the gym, gym में exercise कर रही होगी. So she will be exercising in the at the gym. At 3 o'clock tomorrow, I sleep. Oh, I have a holiday, so I will be sleeping. कल 3 बजे मैं सो रही होंगी, right? So इस तरीके से आप sentences को future continuous tense में use कर सकते हैं. I hope आपको आपकी problems कुछ clear हो गई होंगी. So let's practice some more sentences like this on your own. आप अपने आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट. थैंक यू.